अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने दी है बड़ी सौगात। दाल भात केंद्र फिर से होंगे शुरू। प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दी इसकी जानकारी। उन्होंने कहा कि दाल भात केंद्रों में मजदूरों को मिलेगा निःशुल्क भरपेट खाना। 1 अप्रैल से शुरू हो सकती है यह योजना। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 20 जनवरी को है छत्तीसगढ़ दौरा। इस दौरान उपराष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को तत्काल प्रभाव से किया पृथक। इन शालाओं में प्राचार्यों को अस्थायी रूप से प्रभारी अध्यक्ष किया है मनोनीत। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बीते मंगलवार की रात बिलासपुर रेलवे स्टेशन में हुए हादसे में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट की लापरवाही आई सामने। इंजन को अलग करते समय इंजन प्लेटफॉर्म के डेड एंड में जाकर टकराने से हुआ था हादसा। इस मामले में रेलवे ने इंजन चालक कैलाश सिंह को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती जा रही है संख्या। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले 17 नए कोरोना मरीज, जिसमें रायपुर और दुर्ग जिले से मिले हैं 4-4 मरीज। अब तक मिले मरीजों को मिलाकर प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 88। लोगों को फर्जीवाड़े का शिकार होने से बचाने के लिए राज्य में नया रजिस्ट्री सिस्टम किया जा रहा है लागू। शुरुआती दौर में प्रदेश के आधा दर्जन जिलों के साथ राजधानी में नए NGDRA सिस्टम को किया गया शुरू, जिसमें आरंग और तिल्दा नेवरा की जा रही है रजिस्ट्री। अब बार बार जमीन बेचे जाने के फर्जीवाड़े पर कस जाएगी लगाम। जसपुर सन्ना थाना क्षेत्र के मैना घाट पर हुआ एक बड़ा हादसा। गायलुंगा से शादी समारोह में शामिल होकर सभी लोग पिकअप में से छिछली गांव से लौट रहे थे वापस, तभी अनियंत्रित होकर 30 फीट नीचे खाई में गिरी पिकअप। इस हादसे में पिकअप में सवार 40 लोग गंभीर रूप से हुए हैं घायल। रायपुर के धरसींवा थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने के शौक के लिए एक महिला ने करीब 1.5 माह पहले पड़ोसी के घर में घुसकर अलमारी में रखे 45,000 कर दिया पार। पैसे चोरी करते महिला CCTV कैमरे में हो गई कैद। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने महिला चोर को कर लिया है गिरफ्तार। बिलासपुर के लुतरा शरीफ स्थित सूफी संत हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह के दरगाह में इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन इरशाद अली की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की हुई बैठक। कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। मास्टर प्लान के तहत होगा आस्था की नगरी लुतरा शरीफ का विकास। स्वच्छता व जायरीनों को सुविधा देने पर रहेगा विशेष जोर। सीपत बलौना मुख्य मार्ग से गार्डन के दोनों ओर गौरव पथ की तर्ज पर सड़क बनाने शासन को भेजा 1.5 करोड़ का प्रस्ताव। गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण के बाद एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को खूब पढ़ाओ के संदेश के साथ कॉपी पेन वितरण का चलाया जाएगा लंगर। राज्य सरकार व जिला प्रशासन के सहयोग से बुनियादी सुविधाएं जुटाने के प्रयास पर लिया गया निर्णय। कमेटी के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। BNI बिलासपुर व्यापार एवं उद्योग मेला 2024 विज्ञान प्रदर्शनी में बाल भारती पब्लिक स्कूल NTPC के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। बच्चों ने विज्ञान मेले में प्रतिभा दिखाकर छोड़ी छाप। लोपिता प्रधान, कनीस मित्तल, सौम्या गुप्ता व मैत्री दुबे के मॉडल ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। मॉडल से आज के गतिशील दुनिया में वैकल्पिक ऊर्जा के समाधान की खोज के महत्व को किया रेखांकित। विज्ञान के क्षेत्र में समर्पण व रचनात्मकता के चलते छात्र प्रमाण पत्र और मोमेंटो से हुए सम्मानित। स्कूल को इस उपलब्धि पर अपने छात्रों पर गर्व। प्राचार्य सलभ सिन्हा सहित शाला परिवार ने बधाई देकर की उज्ज्वल भविष्य की कामना। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस को एक ही रात में मिली 3 सफलताएं। एक तरफ जहां अवैध राइफल बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं लकड़ी के चिरान के साथ धान का अवैध परिवहन करने वाले वाहन को किया जब्त। वहीं बसंतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उदारी में उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी रुस्तम खान को 12 बोर राइफल का निर्माण करते हुए पकड़ने में पाई सफलता। कोरबा कटघोरा हसदेव नदी के बांगो डुबान क्षेत्र में साफ पानी का शेर कहे जाने वाले महासीर मछली की तलाश, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए इंग्लैंड से वैज्ञानिक पहुंचे हैं। वैज्ञानिक बांगो डुबान क्षेत्र के बूका, गोल्डन आइलैंड और उसके आसपास क्षेत्र में पानी में महासीर मछली की तलाश कर रहे हैं, ताकि इसके संरक्षण की दिशा पर पहल की जा सके।
मैदानी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात आरक्षक से निरीक्षक को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का रास्ता हुआ साफ। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से परिपत्र जारी कर छुट्टी की प्रक्रिया कर दी गई है स्पष्ट। वहीं नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारियों कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का दिया जाएगा अवकाश। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी होगी राममय। पार्टी के नेता प्रदेश भर सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का करेगी पाठ। रायपुर जिला कांग्रेस मुख्यालय के हनुमान मंदिर से इस कार्यक्रम की होगी शुरुआत। इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, सिर्फ बीजेपी ही राम भक्त नहीं। रेलवे ने एक बार फिर 8 ट्रेनों को किया रद्द। इनमें रायपुर दुर्गा और भिलाई से होकर गुजरने वाली 2 पैसेंजर ट्रेन भी है शामिल। 20 से 28 जनवरी तक रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर स्पेशल रहेगी रद्द। 20, 23 और 27 जनवरी को बिलासपुर से रवाना होने वाली बिलासपुर तिरुपति द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस को किया गया है रद्द। कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी और कई गाड़ियों का बदला गया है रूट। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।